गुर शब्द की लड़ीवार विचार के नाल सांझ पाउण दा सुभाग समा सतगुरु पातशाह जी ने बख्शा है। सो इस वेले की हाजरी युगो युग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरणा चलवाइए। प्यार साहित फतेह की सांझ पाओ। कहो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही पावन पवित्र लड़ीवार विचार दे विच इन्नी राग कन्नड़ा महला पंजवां कन्नड़ा राग विच दर्ज पावन पवित्र बाणी जो पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी द्वारा उच्चारण कीती हुई है। इस पावन पवित्र बाणी की विचार सरवण कर रहे हाँ। सो आओ गुरु सवारियो अज की पावन पवित्र विचार आरंभ करने तो पहला मन बिरतियां करो जी एकागर दिओ असीस। कहो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी कन्नड़ा महला पंजवां जन को प्रभ संगे असनेह साजनो तू मीत मेरा गृह तेरा सबके हो। जन को प्रभ संगे असनेह साजनो तू मीत मेरा गृह तेरा सबके हो। रहाओ मान मांगो तान मांगो धन लक्ष्मी सुत देह मुगत जुगत भुगत पूरन परम परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान मुकत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान। सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह अज दे जो पावन पवित्र शब्द की बख्शिश कर रहे हैं। इस शब्द दे रहाव वाले बंद ने जन को प्रभ संगे असनेह साजनो तू मीत मेरा गृह तेरा सबके। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी अज दी विचार दे विच मनुख नू जीव नू सिर्फ परमात्मा कोलों मंगण दी जाच दस रहे ने, क्योंकि दो ही पक्ष ने जिथे इंसान पूरे हक नाल दावे नाल कुछ मंग सकता। एक तो वो कि जिहड़ी चीज उहदी अपनी है, दूसरा वो कि जिहदे कोलों वो मंग रहा है वह उहदा अपना है। इन्हां दोहां ही सूरतां दे विच दोहां हालातां विच मनुख पूरे हक नाल पूरे दावे दे नाल मंग सकता। दूसरा मंगना भिख्या कहाउंदा ते वह मंगण वास्ते भिखारी बनना पैंदा। अपनी चीज जां अपने कोलों कुछ मंगण वास्ते इंसान नूं भिखारी नहीं बनना पैंदा, क्योंकि वह उहदा अधिकार है हक है।
असी क्योंकि परमात्मा नूं रब नूं सारा कुछ मानते हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं अपना इष्ट अपना मुक्तिदाता मंगते हैं मानते हैं, पैदा करन वाला मानते हैं, परवरिश करन वाला पालना करन वाला मानते हैं, तो ये भी मानते हाँ कि असी उहदे हाँ उन्हें ही सानूं पैदा किया है, उहदे तों वख नहीं। तो दूसरी वड्डी गल कि जो कुछ भी उहदे घर विच है वह साडा ही है, तो असी उहनूं हक नाल दावे ना मंग सकते। तो सब तो वड्डी गल कि उहदे घर दे विच सारा कुछ ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिहड़ा साडे मालक दे घर विच ना होवे। इस वास्ते सतगुरु कहिंदे आ कि जिवें एक सज्जन कोलों एक मित्र कोलों जिवें बच्चा एक माँ बाप दे कोलों मंगदा आ, उस ही तरीके दे नाल असीं उस परिपूर्ण परमात्मा कोलों मंगदे हाँ, क्योंकि उहदे नाल साडा दिली प्यार है, वो साडा अपना, साडे वास्ते कोई बेगाना नहीं है। सो गुरदेव बख्शिश करते ने, कन्नड़ा महला पंजवां, जन को प्रभ संगी असनेह, असनेह तो भाव प्यार, परमात्मा दे गोले दा भाव मेरा साडा परमात्मा दे नाल प्यार है, उस परमात्मा दे नाल जो हमेशा ही मेरे अंग संग है, मेरे तो वक्ख नहीं मेरे तो दूर नहीं, ते जो मैनू हमेशा ही मेरी इस भगती भाव के बदले अपना अथाह प्यार अथाह आनंद बख्शिश करता है, मेरा उहदे नाल प्यार है, उहदे नाल मेरी मुहब्बत है। रब दी ते रब दे प्यारे दी प्रीत एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा प्यार है। जे परमात्मा दा प्यारा परमात्मा नाल प्यार करता है, प्रेमा भगती करता है, तो परमात्मा भी भगत वशल है, भगती नूं भगतां नूं प्यार करन वाला। ते जे इह संबंध बन जावे तो फिर असी आ पंक्ति दिलों कह सकते हैं, पढ़न मात्र तो असी हो सकता है कि कितनी बार पढ़ी होवे सुनी होवे पंक्ति, पर सचमुच ही साडा उस परिपूर्ण परमात्मा नाल प्यार है। जिस दिन यह अवस्था बन गई कि सचमुच ही प्यार है, उस दिन असल इस पंक्ति का पढ़िया जाना जां इस पंक्ति का मनिया जाना होना है, उन्ना चिर सिर्फ पढ़न तक ही महदूद हाँ, जिन्ना चिर साडा दिली प्यार दिली मुहब्बत बनती नहीं, उन्ना चिर केवल एक दावा है। जिस दिन निर्दावे हो गए भाव कि असी यह मन के इस पंक्ति नूं अपनाया ते पढ़िया कि सचमुच ही असी उस रब दे प्यारे हाँ ते रब नूं मुहब्बत करदे हाँ प्यार करदे हाँ, उस दिन यह पंक्ति का भाव साडे जीवन में स्पष्ट हो जाएगा। सो इस वास्ते गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे कि साडा उस रब नाल परमात्मा दे नाल प्यार है जिहड़ा साडे अंग संग है, हमेशा ही साडे नाल सहायक है। जन को प्रभ संगे असनेह, साजनो तू मीत मेरा, हे मेरे मालक तू मेरा साजनो भाव सज्जन है, साजनो तू मीत मेरा, तू मेरा मित्र है, मेरा ते तेरा संबंध किहो जाया जिवें एक सज्जन दा सज्जन दे नाल हुंदा आ, जिवें एक मित्र दा मित्र नाल हुंदा दोस्त नाल हुंदा। सो इस तरीके दे नाल तू मेरा साजनो भाव सज्जन है, मेरा मीत भाव मित्र है। साजनो तू मीत मेरा, गृह तेरा सब के, इन्हें तेरे घर में सारा ही कुछ है। गृह तो भाव हुंदा घर,
सब किह तो भाव है कि सारा ही कुछ जो भी साड़ी जरूरत है जो भी सानू चाहिदा वो सारा कुछ ही तेरे घर दे विच है। फिर असी तेरे तो इलावा होर किहदे कोलों मंगीए। सानू पता है कि साड़ी जरूरत केवल तू पूरी करनी है क्योंकि तेरे कोल है। जिद कोल है ही नहीं उहदे कोलों जरूरत साड़ी की पूरी होनी है। इस करके असी सारा कुछ तुहाडे कोलों मंगदे हाँ। ते रहाउ दा विश्राम दे के सतगुरु पातशाह फिर अगे जो कुछ सानू चाहिदा उहदी गल कर रहे, क्योंकि सतगुरु सानू बाणी विच इह वी समझाउंदे आ कि गुरु कोलों जो मंगना निसंग होके मंगीए, भाव संग नहीं मन च रखनी, निश्चिंत होके बेफिक्र होके। इस गल का भी फिक्र ला के कि पता नहीं गुरु के दर तो मिलना है या नहीं मिलना। साडा काम है भिखारी बनना, जाचक बनना, जाचना करनी, मंगना, दात पाउणा उहदा काम है। सो इस वास्ते इस विश्वास नाल इस भरोसे दे नाल मंगीए कि मेरे मालक एक तां तू मैनू मोड़ना नहीं क्योंकि तू मेरा सज्जन है, तू मेरा मित्र है। दूसरा तेरे घर दे विच सारा कुछ है, मैनू इस गल की भी फिक्र करन की लोड़ नहीं है कि मैनू तेरे दर तों कुछ मिलना नहीं क्योंकि आ कुछ तेरे दर ते है, आ कुछ नहीं है। तू दे सारे किस्म के पदार्थ इतने भरपूर किए हुए ने अपने भंडारियां च, खजानों च इको बार ही सब कुछ पा दिता अपने भंडारियां च। वह कदे मुकने तो की उन्होंने कदे टोट भी नहीं आती, भाव घटते भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं घटते। खजाना खाली नहीं होता कभी उस मालिक का। सो इस वास्ते असी तुहाडे कोलों की मंगते हाँ। गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश करते ने, मान मंगो ये मालिक असी इज्जत तुहाडे कोलों मंगते हैं कि सानू इज्जत बख्शिश कर, साडा माण बनिया रवे, साडे परदे ढके रहन, साडी पत ढकी रवे। इस करके तुहाडे कोलों मंगते हैं कि जे तुसी परदे ढकोगे तां कोई जितना मर्जी जतन कर लवे साडे पर्दे नहीं चुक सकता, भाव साडी इज्जत खराब नहीं हो सकती। पर जे तेरे वालों परदे ढकन वास्ते प्रेम का पटोला ना मिले, प्रेम पटोला तैं सह दिता, ढक्कण को पत मेरी। तू अपने प्रेम का पटोला भाव प्रेम का कपड़ा दिता है कादे वास्ते, मेरी पत नूं ढक्कण वास्ते। एक लफ्ज वरत्या जांदा है सिरों पाओ, सिरों पाओ तो भाव हुंदा है जिहड़ा सिर तों लैके पैरां तक ढक सके। एक सिरों पाओ हुंदा आ जिहड़ा कपड़े दा, ते एक सिरों पाओ आ बख्शिश दा जिहड़ा गुरु साहिब बख्शिश करदे। जिओ प्रेम दा पटोला भाव प्रेम दा कपड़ा बख्शिश कर देवे तां फिर ऐसी इज्जत प्राप्त हुंदी है जिहड़ी इज्जत कदे खराब नहीं हुंदी, भावें हालात जिहो जिहे मर्जी होण। सतगुरु बख्शिश करते ने, मान मंगो तान मंगो। दूसरा मैं तुहाडे कोलों ताकत मंगदा, शक्ति मंगदा। ते सच इह जी कि जिहड़ी ताकत जिहड़ी शक्ति असीं होरना जतना करके नूं करके प्राप्त करते हैं ना, वो ताकत वो शक्ति हमेशा नहीं रहिंदी। पर जिहड़ी ताकत जिहड़ी शक्ति जिहड़ा तान असी गुरु कोलों मंगदे हां वो तान हमेशा रहिंदा, वो ताकत वो शक्ति हमेशा रहिंदी है। क्योंकि साहिब निमाणियां दा मान है, नेताणियां दा तान है, न्योटियां दी ओट है, निपत्तियां दी पत है, निगत्तियां दी गत है, नितरियां दी तिर है, निथाव्यां दा थाओ है मेरा मालिक, न्यासरां दा आसरा है। इस वास्ते जिहड़ी ताकत तू बख्श करेगा ना मेरे मालिक,
वह ताकत मेरे को कदे नहीं खुसनी, वो ताकत मेरी हमेशा बनी रहनी। बड़ा सुंदर वर्तारा एक निहंग सिंह अपने आप दावा कर दिता उन्हें कि मैं सच्ची सरकार। शेरे पंजाब का राज सी, किसी ने जाके शिकायत कर दिती कि सच्ची सरकार तो तुसी हो शेरे पंजाब। पर एक निहंग सिंह है वह अपने आप को सच्ची सरकार कही जाता। दरबार में पेश किया गया, शेरे पंजाब ने पूछा कि तू अपने आप को सच्ची सरकार कहना? कहता हाँ मैं हाँ सच्ची सरकार। कहता कि यह दावा किवें कर सकते, तुहाडे कोल की प्रूफ है कि तुसी सच्ची सरकार हो? तो कहते चलो परख हो जाए। एक फिर परख की गई, परख यह हुई कि उन्हें शेरे पंजाब का नाम पूछया, उन्हें दुनियावी पिता का नाम दसिया, जन्म स्थान पूछया उन्हें दुनियावी गुजरांवाला दसिया जिथे जन्म होया। सारा कुछ संसारक। निहंग सिंह कहिंदा हुण लो फौजां दा टैस्ट परचा। उन्हें पूछया कि नाम की? कहिंदा सच्ची सरकार। पिता का नाम साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, माता का नाम माता साहिब कौर जी, वासी श्री आनंदपुर साहिब। तो शेरे पंजाब कहते वाकई सिंह साहब जी तुसी सच्ची सरकार हो, क्योंकि सच्ची सरकार उही हो सकता जिदा पिता गुरु गोबिंद सिंह है, जिदी माता माता साहिब कौर है, तो जिदा जन्म स्थान जिहड़ा वासी श्री आनंदपुर साहब का है। वक्ती सरकारां कदी सच्चियां सरकारां नहीं होया करदियां। इस तरह वक्ती ताकत सदीव ताकत नहीं हो सकती, पर जिहड़ी ताकत जिहड़ा दान असीं गुरु कोलों मंगदे हां वह सदीव काल वाला है। वह कदे खुसदा नहीं, वह बदलदा नहीं, कदे उहदी पावर कदी घटदी नहीं। इस वास्ते मेरे मालिक मैं दान ताकत शक्ति तुहाडे कोलों मंगदा हाँ। मान मंगो तान मंगो धन लक्ष्मी मैनू दौलत भी दे, लक्ष्मी भाव माया भी दे। धन बहुत तरह का, इस करके वक्खरा लिखा सतगुरु पातशाह जी ने। पशु नूं भी धन कहा जाता, सोने के रूप के भी है, जमीन के रूप के भी है, तो ये जिहड़ा शरीर सानूं मिलिया है भी एक किस्म का धन ही है। अनाज नूं भी धन कहा गया। लक्ष्मी तो भाव है माया रोकड़ा। मेरे मालिक मैनू जिथे मान चाहिदा आ, जिथे तान चाहिदा, ताकत चाहिदी है, उत्थे मैनू धन भी चाहिदा, ते उत्थे मैनू लक्ष्मी भाव माया भी चाहिदी। अगे कहिंदे धन लक्ष्मी सुत दे, ते मैनू पुत्र भी चाहिदा, संतान भी चाहिदी, मैनू संतान भी दे। ऐसी ही मंग भगत धन्ना जी ने तनासरी राग विच कीती जदों आरता उचारण किया। आरती का अर्थ भी विचारवाना ने विद्वाना ने लोड़वंदा कहा है, जरूरतमंद। जदों जरूरतमंद लोड़वंदा गुरु के अगे आके मंगदा तो उन्हें कहा जाता आरता करना, भाव लोड़वंद हाँ ते लोड़ा जरूरतां पूरियां करन वास्ते मैं तुहाडे कोलों मंग रहा। सतगुरु पातशाह ने कदे सानू यह नहीं बाणी च कहा कि जो तेरे जरूरत दीआं चीज़ां ने वह तैनूं नहीं मंगनियां चाहीदियां। सतगुरु पातशाह कहिंदे आ कि जो तेरी जरूरत दा है वह तू मंग, निसंग हो के, निचक हो के, निश्चिंत हो के। पर तेरी मंग इहो जी होनी चाहीदी है कि उस मंग दे विच किसे होर दा नुकसान ना छुपया हो।
जे तेरी मंग जायज होगी तो रब परमात्मा जरूर पूरी करेगा। धन्ना जी की साखी आप कई बार सरवण की है, ते जदों रब जी प्रगट होए परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु तो धन्ना जी कहिंदे हे रब जी परमात्मा मैं हाँ लोड़वंदा, मेरिया बड़िया जरूरत ने, पर एक मैं वादा करता हाँ कि जो कुछ मैं तुहाडे कोलों मंगांगा उहदे विच लब नहीं छुपया होगा। इस सब कुछ मंग के भी मैनू जिहड़ी चीज़ फबदी है तुहाडा नाम है परमात्मा का सिमरन, मैं उन्होंने नहीं भुलांगा। पर मेरी एक छोटी जी लिस्ट है मंगां दी, वो जरूर पूरी कर दे। तो धन्ना जी की मंगते ने गोपाल तेरा आरता, हे मेरे मालक गोपाल सृष्टि नू पालन हारे जीवन की परवरिश करन वाले मेरे मालक मैं तेरा मंगता हाँ लोड़वंदा हाँ। आप ये समझते हैं ना कि आरता शायद थाली च दीवे बाल के मोती आदि फुल आदि धूप आदि सारा कुछ इकट्ठा करके ते मूर्ति अगे घुमाना, शायद इनू आरती कहिंदे आ। कल्ली पूजा करन नू आरती नहीं, परमात्मा कोलो मंगण नू आरता कहिंदे आ। कादे वास्ते करदे आ? क्योंकि साडियां जरूरतां ने, सानू कुछ चाहीदा, परमात्मा खुश हो जावे। सो भगत जी कहिंदे आ कि गोपाल तेरा आरता, हे पृथ्वी दे पालनहार परमात्मा मैं तेरे दर दा मंगता हाँ मेरिया लोड़ा पूरियां कर। क्यों मैं ऐसा कह रहा? क्योंकि मैं सुनिया है कि जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता, रहाओ। क्योंकि मैं तुहाडे प्यारियां कोलों तुहाडी बाणी द्वारा तुहाडे उपदेशकां कोलों यह सुनिया है कि जो जन तुमरी भगत करंते, जिहड़े जन तेरी भगती करदे आ तिनके काज सवारता, तू उन्हां दे काज सवारदा है, तू उन्हां दे काम कढ़दा। यह कारण है कि मैं तेरे दर उत्ते लोड़वंदा बन के जाचक हो के आया हाँ कि मैनू मेरी एक लिस्ट है, सो उहदे अनुसार मेरिया जरूरतां पूरियां कर। कारण दस दिता कि क्यों मंगदा। फिर अगे कहिंदे कि दाल सीधा मंगो घीओ, दाल कहिंदे आ दाल नू, सीधा कहिंदे आ आटे नू, घीओ कहिंदे आ घिओ। किड्डी कि वड्डी जरूरत है। एक तां मैनू दाल चाहीदी है, दूसरा मैनू आटा चाहीदा, तीसरा मैनू पदार्थों विच पाउण वास्ते घिओ चाहीदा, मेरी उपजीविका वास्ते, मेरी परालब के अनुसार मैनू दाल आटा ते घिओ दिओ। कहिंदे ने कि हमरा खुशी करै नित जियो, जियो तो भाव जिंद मन, जिहदे नाल मेरी जिंद नू नित ई उपजीविका का समान सुखी रखे, सुखी रवां। क्योंकि जे इंसान के पेट में रोटी नहीं है ना, शकनों प्रसादा नहीं है, तानी नहीं तृप्त होगा तो मन किवें परमात्मा की भगती वल लगेगा। इस करके तो सतगुरु पातशाह ने संगत ते पंगत का सिद्धांत सानू दिता है। शरीरक लोड़ां भी पूरियां होनियां चाहीदियां हैं। जे शरीरक लोड़ां पूरियां होणगियां, जे हुण मन लो फर्ज करो कि साढ़े कोल जो लोड़ींदा पदार्थ है उहदी अणहोंद है, तो सानू कोई आके आके कि आ अमृत वेले उठ गुरद्वारे आया कर, जां अमृतधारी हो भगती करिया कर सेवा करिया कर, तो उहदियां ते जरूरतां ही नहीं पूरियां होंदियां, उह किवें आवेगा इधर। उहनूं ते इहो चिंता सताई जांदी है कि मैनूं दो वक्त की रोटी किहड़े वेले मिलनी है, किदां मिलनी है।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂਗਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ, ਨੀਕਾ ਭਾਵ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੁਨੀ। ਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮੰਗ ਲਓ, ਫਿਰ ਸੰਭੋ ਲਓ, ਪਰ ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਦਨ ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਲੀੜਾ ਹੋਵੇ। ਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ, ਸਤ ਸੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਵਾਹ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਦ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਅਨਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤ ਪਾੜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸੱਤ ਸੀਆਂ, ਸੱਤ ਵਾਰਾਂ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਚੱਪਾ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਪਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਉਲਟਾਵੀਆਂ ਹੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਲਟ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੋ ਅਤੇ ਥਰੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਉੱਗੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਣ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰਨੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸੱਤ ਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਲ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਕੜਾਹ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਲੀ 'ਚ ਹਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
उदाहरणा दित्तियां ना बाणी दे विच के मन हाली किरसानी करनी सरम पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस। हाली तो भाव सी कि उद्यमी, हाली उद्यमी सी। अमृत वेले इस वेले नूं पता नहीं किन्ना किन्ना था वाह लैंदे सी वेले, या अज्ज 12 बजे उठ के ते वड़ियां वड़ियां बेसां छड़ लैनियां, गंदे मंदे गाने ला लैने, हो सकया तो कुछ ऐसा छप भी लेना कुछ। तो फिर भाई जिहो जिहा बीजन का तरीका आ उहो जिहा कुछ सानू प्राप्त होना। रिवाज के लिहाज के नाल जो कुछ चलता देखा देखी ये सारा कुछ करी तो जा रहे हैं, पर क्यों नहीं बरकत पैंदी? कितने थोड़िया जिहा भरिया होंदिया सी, थोड़ा जिहा अनाज हुंदा सी ते असीं रजे हुंदे सन, ते अज ट्रालियां भर भर के लत लत खड़दे फिर भी भुखे हां, कारण की है? क्योंकि साढ़े बीजन का किरत करन का किरस करन का तरीका बदल गया। हुण सत सियां का अनाज भगत धन्ना जी मंग रहे हैं, ते अज कोई आखे कि मैनूं सत सियां वाला अनाज दो ते कित्थों लियावांगे, उहदे वखरी गल है कि नहीं कोई विचार करदा कि इन्हां चीज़ां दी। पर जे गुरबाणी अनुसार चलीए तो फिर वह अनाज किन्ना गुणकारी होगा जिहड़ा भगत धन्ना जी ने मंगया कि मैनूं सत्तां सीआं वाला अनाज चाहिए, सत्त पाड़ां चंगी तरह जमीन वगी होवे जिहड़ी ते उहदा उगिया होया अनाज मैनूं दे, इदां दी किरस होई होवे। सो कहिंदे आ कि पन्नियां छादन नीका अनाज मंगो सत्त सीका, मैनू वह अनाज दे जिहड़ा सत्त सीआं ला के सत्त पाड़ां पा के बीजा उगया होवे। फिर कहिंदे आ कि गऊ भैंस मंगो लावेरी, एक गां मझ मैनू चाहीदी है, गऊ तो भाव गां ते भैंस तो भाव मझ, ते चाहीदी कि लवेरी जिहड़ी दुध दिंदी होवे, मैं भी छकां मेरा परिवार छके। गऊ भैंस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। अज असीं चंगी चंगी गड्डियां लोड़दे हां ना, ते चढ़न वास्ते सवारी करन वास्ते, ते भगत जी कहिंदे आ एक अरबी नसल की घोड़ी चाहिए है मैनू सवारी करन वास्ते। ते जिहड़े समय दीआं गल्लां ने ना, गुरु काल दे समय ही अरबी घोड़ियां दा लखां च मुल हुंदा सी, लखां च आला नसल की घोड़ी चाहिए है जिहदी लखां च कीमत हो, जिवें अज करोड़ां दी कोई गड्डी लै आवे मंगे गुरु कोलों, तां उदों उन्होंने चंगी घोड़ी अरबी नसल की मंगी कि मैनूं अरबी नसल की घोड़ी चाहिए है, एक ताजन, ताजन भाव अरबी नसल की तुरी भाव घोड़ी चंगेरी चंगी चाहिए है, जिहड़ी जिहदी चाल भी वधिया होवे, जिहड़ी मैनूं असवारी करन दे विच आनंद भी देवे। फिर कहिंदे आ घर की गीहण चंगी, गीहण तो भाव है गृहिणी, गृहिणी तो भाव है इस्त्री, मेरी इस्त्री चंगी मिले मैनू चंगी होवे, भाव जियो आया सत बजन कहण वाली होवे। वो किसी ने कबीर जी दी रीसे कर लिया सी ना, वो काम कड़ा प्रसाद बनाउण वाला, जो कहा कड़ा प्रसाद बना तो कहिंदे लोई जी के रस्ते हैगी नहीं, कहिंदे भी इत्थों रेत पाला थोड़ी जी, थोड़ा पानी पाला, इदां दी चीज़ां करके तो जो कड़ा प्रसाद छकिया तो बड़ा स्वाद, जो मेरे वर्गा सी वेखण गया वो कहिंदा तो कम बड़ा सौखा, ना सौदा लिआउणा पवे। वो घर नहीं जाके कहिंदा भी अज कड़ा बनाउणा, कहिंदी घर च तो है कख नहीं, कड़ा कदा बनाउणा, कहिंदा लै मैं कबीर साहब तो सीख के आया, कहिंदी फिर की करना, कहिंदा रेत पा कड़ाई, उहदी तेरा दिमाग ही लग्या, कदी रेत दा कड़ा बनिया, उहने फड़िया डंडा ते फेंटी लाती। ते जदों कबीर साहब नूं पता लगा कि झगड़ा किहड़ी गल तों होइआ, उहनां दस्सिआ इह तुहाडी रीस नाल कड़ा बनाउण लगे सी, उहनां फिर समझाया कि गल सत वचन दी आ ते सत संतोख दी आ, गल रसद दी नहीं। कई बार चंगा भला सारा कुछ होवे ना, तां वी खाण विच कोई रस नहीं हुंदा,
खाने विच ते कई बार रुकी सुकी भी होवे ना बनाउण वाले दी भावना चंगी होवे तां उहदे विच इन्ना रस हुंदा आ जो 36 प्रकार दे भोजन नूं छक के भी नहीं प्राप्त हुंदा। इसे करके गुरबाणी सानूं समझाउंदी आ ना कि बनाउण वाले नूं भी चाहीदा आ कि उह बनाउण लग्गियां रब दा नाम लवे परमात्मा दा नाम लवे ते जे स्यापा ही लाउणा ते फिर छकण वाले नूं कित्थों आनंद आएगा। पाक साल भाव रसोई ये लंगर वर्गी है सिख दी रसोई की गल आ ते जे इहदे वर्तन विहार का तरीका लंगर वर्गा हो जाए ना तो फिर जिहड़ा छकेगा वह अपने आप ही उहदे मुख चों वाहिगुरू निकल जाना कहन की लोड़ नहीं है क्योंकि अगे पिया होया प्रशाद आ जिहड़ा प्रशाद है उहदे विच हक सच है उहदे विचों मलक भागो वांग लहू नहीं चौंदा उहदे विचों भाई लालो वांग दुध चौंदा सच्ची सच्ची कृपा बनिया होया ते चंगी भावना तैयार होए भावना नाल तैयार होया साढ़े कोल साढ़े अगे पिया होवे ते फिर छकण वाले दे मुख चों वाहिगुरू ना निकले ते फिर बनाउण दा की फायदा। सो तन्ना जी कहिंदे आ कि ग्रहणी भी इहो जी होनी चाहीदी है कि सत वचन कहण वाली घर दी इस्त्री घर स्वर्ग बन जांदा जे ऐसा माहौल मिल जाए घर दा तां घर स्वर्ग बन जांदा नहीं ते इहदे तों वड्डा नरक कोई नहीं है घरों निकलदिआं भी कले कलेश ते घर वड़दिआं भी कले कलेश ते इहदे तों वड्डा नरक होर कित्थों भल्लण जाणा कितों नहीं हो सकदा दुनिया संसार दे विच कितें दूसरा नरक लभण दी लोड़ नहीं जिथे आपसी तालमेल नहीं हैगा ग्रहणी चंगी नहीं है जां ग्रहणी दा पति चंगा नहीं दोवें पक्ष ने इत्थे ये नहीं भी इस्त्री जात नाल वितकरा कीता गुरु साहब ने जां भगत साहिबान ने ताड़ी दोवां हत्थां नाल वजदी है जे पति भी परमेश्वर नहीं है सत्कार दा हकदार नहीं है तां फिर उहदा भी कोई दोष नहीं हैगा दोवें पक्ष ने सतगुरु दोवां नूं समझाउंदे आ। सो इत्थे कह रहे हैं कि घर की गीहन चंगी कहिंदे ने कि ग्रहणी इस्त्री भी चंगी बख्शिश कर जन धन्ना लेवै मंगी ये सारी लिस्ट जन तुहाडा मंगता तुहाडा दास धन्ना तुहाडे कोलों मंग के लै रहा ये है लिस्ट जिहड़ी एक जरूरतमंद की एक लोड़ मंगदी है जे इस तरीके नाल मंगांगे ना ते मिलेगा भी सारा कुछ ते जे मिलिया आ ना ते उहनूं भोगण दी भी जाच होवेगी सानूं जिहड़ी चीज़ सानूं बिन मंगिया मिल जांदी है ना अक्सर ऐसा हुंदा है कि उहदी साडे मन दे विच कदर नहीं हुंदी ते जिहड़ी चीज़ असीं आप कमाई होवे घालना होवे उहदे पिछे मशक्कत होवे मेहनत होवे तां उहदी कदर भी हुंदी है सार भी हुंदी है। हुण धन्ना जी ने भगती कीती है आराधना कीती है मंग के लै पता आ कि मैं किवें लिया रब को ते फिर उहनूं वरतन की जाच भी तो गुरु साहब दसदे आ ना सानूं दसदे आ वरतन की जाच सतगुरु पातशाह कि किवें वरतना तेरे कोल धन पदार्थ है जो कुछ भी है तेरे कोल माया है तेरे कोल रुतबा आ पावर है तेरे कोल ताकत है इहनूं किवें वरतना। सो सतगुरु पातशाह जी शब्द में बख्शिश कर रहे हैं कि मान मांगो तान मांगो धन लक्ष्मी सुत दे ये मेरे मालिक मैं तेरे को इज्जत मंगदा मैं तेरे को ताकत मंगदा मैं तेरे को धन मंगदा मैं तेरे को माया मंगदा मैं तेरे को संतान मंगदा ये मैनू दे। अगे बख्शिश करते ने मुकत जुगत भुगत पूर्ण परमानंद परम निदान मेरे मालक दे कोल कले पदार्थ ही नहीं ने वह मुक्ति का भी दाता है मुक्त तो भाव है मोक्ष मुक्ति वह किवें प्राप्त होनी है वह भी मेरे गुरु गुरु नूं पता मेरे गुरु ने दसना है जुगत जीवन जीवन की जाच भी मैनू मेरे गुरु ने दसनी है कि जीवन किवें जीना मुकत जुगत भुगत भुगत तो पावे पदार्थ जो कुछ सानू भोगण वास्ते मिलता है
वह भी मेरे मालक ने देना है कि किवें छकना छकाना किवें इन्हां चीज़ों की वरतों करनी है दुरवरतों नहीं करनी की खाना की नहीं खाना यह भी मेरा गुरु मैनू दसदा है। सतगुरु दस दे नहीं है बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खाद है तन पीड़ी है मन में चले विकार खुआर करने वाला खाना ना खा। तो सतगुरु पातशाह की करते हैं मुक्त जुगत भुगत इन्हां खजानों का तू किन्ना क मालक है पूर्ण पूरा संपूर्ण पूरा कंट्रोल है तेरा सारी चीज़ों के उत्ते परमानंद तू परम आनंद का मालक है। एक आनंद हुंदा जिहड़ा कोई छक के असीं कहता आनंद आ गया कुछ देख के कुछ सुन के कुछ बोल के भी आपां कई वार कह दिंदे कि सानूं तां गल करके आनंद आ गया। एक हुंदा परम आनंद जिहदी व्याख्या पावन पवित्र बाणी श्री आनंद साहिब दे सतगुरु पातशाह करदे आ ते सतगुरु कहिंदे आ कि तू परमानंद परम आनंद दा वी भंडारा है परम निदान ते तू सारियां दातां दा श्रोमणी खजानियां दा मालक है बहुत वड्डा खजाना है। मुक्त जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान अगे बख्शिश करदे ने पए पाए भगत निहाल। हे मेरे मालक जदों मैं तुहाडे डर दे अंदर पए पाए प्यार दे नाल कल्ला डर ही नहीं काफ़ी हुंदा डर बच्चे रखदे आ पर जिहड़े काम तों डरदे आ ना करन तों डरदे आ जदों वड्डे लांभे होण चोरी जरूर करन दा यतन करदे आ पर उहदे विच फिर सत्कार ना ना होया जे सत्कार होवे ना असी सामने तो कोई गलत काम करन तों डरदे हाँ फिर असी ओले भी नहीं कर सकते जे प्यार होवे कि जे मेरे मालक नूं पता लग गया क्योंकि उहनूं तां पता ही है वैसे उत्तों तो कोई छुपया होया नहीं है पर जे एक बच्चा मन लो साडे घर दा साडा ही बच्चा जे वह कल्ला साडे तों डरदा ही है ना कि मैं डरदा काम ना करा तो जदों असी नहीं सिर ते होवांगे वह जरूर करूँ तो जे उहदे मन च यह होया ना कि जे मैं ये काम किया तो मेरे माँ जां बाप दे मन नूं सट वजेगी इहदा मतलब कि तुहानूं प्यार भी करदा वह नहीं चाहुंदा कि तुहाडी हानि होवे। रब दे रब दा कल्ला असी डर ही नहीं रखना गुरु दा कल्ला डर ही नहीं रखना उहदे नाल प्यार भी चाहिदा आ कि असी इस करके भी कुछ गलत नहीं करना क्योंकि साडे प्यारे गुरु नूं प्यारे रब नूं परमात्मा नूं कोई चोट ना पहुँचे उहदा हिरदा ना दुखे साडी करनी तों क्योंकि आरंभ विच आपां सरवण कीता है कि जन को प्रभ संगी असनेह प्यार जो होया परमात्मा दे प्यारे दा परमात्मा दे नाल ते जिहदे नाल जिहदा प्यार होवे उहदा दिल नहीं दिखाउणा चाहुंदा कदे वी हाँ किते असंचेत दुख जावे ना ते फिर उहदी इस तरीके नाल किवें वी मंगदा वी मैनूं माफ करी मैं तेरा दिल नहीं सी दिखाउणा चाहुंदा क्यों क्योंकि दिल दिखा के अपना वी मन दुखी होया कि मैं ऐसा नहीं सी मैनूं करना चाहिए। सो इस वास्ते कहिंदे ने कि भए पाए भगत जदों असीं डर दे विच ते प्यार दे नाल भगती करांगे निहाल फिर असी निहाल हो जावांगे भाव साडे अंदर इहो जिहा आनंद आवेगा जिहड़े आनंद दा कोई आनंद मुकाबला नहीं कर सकदा। भए पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुरबान। ये नानक जी फिर तो यह अवस्था बन जाती है कि जिहड़ा परमात्मा तो रब तो डरदा भी है गुरु तो डरदा भी है तो गुरु नाल रब नाल परमात्मा नाल प्यार भी करदा आ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ।
गुरदेव बख्शिश करते ने मुक्त जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निधान पै पाई भगत निहाल नानक सदा सदा कुरबान। सतगुरु पातशाह रहम करन विचारा करदे आ एक नहीं अनेक तरह दियां भुल्लां हो गईयां होणगीयां। गुरु ते गुरु की संगत बख्शन जोगा जी बख्श लैणा, आई हुई संगत दा कदम कदम सतगुरु पातशाह लेखे विच लाउण, अपने दरों घरों गुरसिखी नामदान की दात बख्शिश करन जी बाणी अते बाणी दे नाल प्यार बनिया रवे, तां ही साडे लोक सुखी है पर लोग से हो सकते हो। सो अज गुरु सवारे गुरम समागम भी है, सवेर तो ही सेवावां करनिया ने प्यार नाल भावना दे नाल, ते रात समय भी हाजरी भरनी है। बाकी ये दो दिन की विचार गुरमुखाना विचार करके वेखांगे कि चालू रखनी है जां की करना, नहीं तो फिर समागम तो बाद फिर दर्शन होणगे संगतां दे नज़ारे। जे गुरमुखा ने विचार दिती तां कल भी विचार होवेगी, सो जिवें भी विचार होए उस हिसाब दे नाल चलिया जाएगा। सो आओ गुरु सवारिओ सरबत दे भले दी अरदास में शामिल होइए। सारी संगत कहो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे पान।